किस प्रकार का माहौल रहता है जब आप जाती हैं इन एरियाज़ में? हमें लोगों का पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है, लोग बहुत ही हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। और जैसे दीपक है जो अंधेरे जगत को उजाला करता है, वैसे निर्भया स्क्वाड की मोटरसाइकिलों की सायरन देख के जो नीरस प्रदेश हो रहा है हमारा, गुलाबी नगर हो रहा है, यहाँ की जनता हो रही है, तो वो एक उत्साहवर्धन करने के लिए अपनी छतों पे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोगों का अभिनंदन करते हैं। आप जब निकलती हैं सुबह घर से, कितना वरिड होता है आपका परिवार आपके लिए, क्या कहता है, और किस प्रकार से आप जब इन एरियाज में जाती हैं क्या माहौल देखने को मिलता है? घर वालों को टेंशन तो होती है क्योंकि महामारी है तो ये किसी को भी चपेट में ले सकती है। ये नहीं है कि हम पुलिस वाले हैं तो हमें नहीं होगी, किसी को भी हो सकती है, पर हम अपनी सावधानी रखते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं, गाड़ियों को सैनिटाइज करवाते रहते हैं। और लोगों के रिस्पॉन्स की बात है तो वो बहुत अच्छा मिल रहा है, अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये लोग सब सहयोग कर रहे हैं और ये देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और महामारी में लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं लोग। जब आप पेट्रोलिंग के लिए जाती हैं तो लोगों को समझाना पड़ता है कि घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, कर्फ्यू के पालना करें? जी सर, शुरू शुरू में हुआ था ऐसे लोग मान नहीं रहे थे तो हम अपनी बाइक से गली गली में राउंड लेते थे और लगातार अनाउंस करते थे कि आप घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि कोरोना किसी को भी हो सकता है, वो किसी के संपर्क में आने से भी हो सकता है, तो आप घरों जितना ज़्यादा घरों में रहेंगे उतना ज़्यादा सख्त है। मैम, आप बताएं कि ये जो सारा कवायद है, आपको लगता है कि इसकी वजह से लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे? सर, कुछ एक ऐसे लोग हैं, कुछ एक अपवाद हैं जो अभी भी इस हमें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, पर अधिकतर लोग हैं जो हमें परकोटे में जो हमें फॉलो कर रहे हैं और हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम बाहर निकलते हैं, सायरन की आवाज़ से छत पे आते हैं, हमारे ऊपर फूल बरसाते हैं और साथ दे रहे हैं, और ऐसे ही अगर हमें साथ मिलेगा तो ये लॉकडाउन जल्द ही खत्म हो सकता है।